इलेक्ट्रिकल वर्क नॉलेज चैनल में स्वागत है दोस्तों आपका। आज हम देखेंगे और जानेंगे 12 मॉड्यूल की सीट में कैसे वायरिंग करते हैं और कैसे इसे लगाते हैं। तो दोस्तों हमने इसमें 7 स्विच, 1 सॉकेट और 1 रेगुलेटर लगाया है। तो दोस्तों देखें कैसे हम इसमें वायरिंग करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा रेगुलेटर, सॉकेट और ये हमारे स्विच। तो हमको पहले वायर लेना है, ये वायर, और ऐसे इसको स्विच के नीचे निचले टर्मिनल में ऐसे माप लेना है। तो यहाँ से हम इसको छीलेंगे, इतना छीलने के बाद हम इसको वायर दिखे नहीं इसलिए ट्विस्ट कर देंगे ऐसे। दोस्तों इसको बढ़िया सा ट्विस्ट कर देना है, फिर इसको फिर वायर को स्विच के निचले वाले टर्मिनल में इसको ऐसे पूरा डाल देना है। डालने के बाद इसको फिक्स कर देना है। स्क्रू को बढ़िया से टाइट करना है कि स्पार्किंग नहीं होए। ये हमारे 6 स्विच, 4 स्विच में हो चुकी है, मेजर करना है। ये हमारी स्विच की वायरिंग हो गई है। अब अपन को सॉकेट के लिए एक स्विच से, ये अपना सॉकेट का स्विच है, हमेशा याद रखना है कि सॉकेट में कनेक्शन करते वक्त लाइन और न्यूट्रल का ऑप्शन मिलता है, तो हमें हमेशा लाइन वाले में ही फेस का वायर डालना है। तो ये है हमारा लाइन वाला वायर टर्मिनल, तो इसके अंदर डाल दिया, इधर अपना न्यूट्रल लगेगा। ये हमारे पास है रेगुलेटर के 2 वायर, जो एक वायर लगेगा स्विच के अंदर ये वायर लगेगा अपने पंखे के अंदर। तो अब इस सीट को हम लगा के देखते हैं, देखें। तो दोस्तों ये है हमारा 12 मॉड्यूल का बॉक्स, इसमें है हमारे वायर। और मैं बता दूं आपको कौन से वायर किस कलर का है। तो दोस्तों ये ग्रीन वायर हमारे अर्थिंग के लिए है, ये येलो कलर का वायर हमारे पंखे का है, ये ब्लैक कलर का वायर अपने न्यूट्रल है, ये ब्लू कलर का फेज है, और वाइट कलर का वायर अपने इन्वर्टर का है, और ये बाकी सारे वायर लाइट पंखा स्लिंग रोज के हैं। दोस्तों चलो करते हैं हम कनेक्शन। सबसे पहले हम लगाते हैं न्यूट्रल को न्यूट्रल वाले ही टर्मिनल में ही लगाना है, सॉकेट में।
और नूटल वाला टर्मिनल सॉकेट में रहता है दाएं हाथ की तरफ, और ये रहा हमारा दाएं हाथ की तरफ ये वाला नूटल का पॉइंट, और ये रहा अपना फेस का पॉइंट। तो इसी तरह हमने लगाया है नूटल, और ये नूटल लग चुका है, और अब ये अर्थिंग, ये ग्रीन वायर अर्थिंग का है जो लग रहा है। जो फेस का वायर है वो लगाना है अपन को, जो अपन ने अभी वायरिंग करी थी सीट के अंदर ये वाली, इसी के अंदर लगाना है अपन को। तो ये अपन इसी के अंदर लगा रहे हैं साथ में, ये हमारा फेस होता यहाँ से होता हुआ पूरी सीट के अंदर आ जाएगा। दोस्तों ये हमने लगा दिया फेस का वायर, और अपन लगाते हैं बल्ब का वायर। तो दोस्तों उनको वायर को हमेशा छील के घुमा के फिर यहाँ से फोल्ड करना है थोड़ा सा, इससे क्या वायर थोड़ा अच्छा टाइट होगा और स्पार्किंग में होगी। तो ये रहा अपना पंखे का वायर, इसको अपन को इस तरह से जॉइंट कर देना है बढ़िया अच्छे से। पंखे के वायर के ऊपर टेप लगा देना है अच्छे से जॉइंट पे, लीकेज वीकेज का कोई दिक्कत ना हो। ये हो गए अपने सारे वायर कंप्लीट। ये रहा अपना इन्वर्टर का वायर, ये अभी अपन इन्वर्टर की वायरिंग नहीं जोड़ रहे हैं, इन्वर्टर नहीं है तो अपन इसको ऐसे ही टेप लगा के छोड़ देंगे इसके अंदर, और ये कहीं टच नहीं होगा इसके लिए पाइप के अंदर, पाइप के अंदर डाल देंगे। और ये हमारी वायरिंग हो चुकी है। और दोस्तों हमने इसमें क्या लगाया है, 7 स्विच, एक पंखे का स्विच, एक सॉकेट का स्विच, और 5 अपने लाइटों का पॉइंट है जिसमें एक बल्ब का, एक स्लिंग रोज का, 2 अलग से लाइटें हैं उसका पॉइंट है, और अपन भी बीच में एक ब्लैंक लगाया है जो यहाँ स्विच नहीं था तो ब्लैंक लगाया है, स्विच की ज़रूरत नहीं है तो ब्लैंक लगाया है। ये स्विच जैसा ही दिखता है लेकिन स्विच नहीं है, ये ब्लैंक है। और दोस्त ये हमारी सीट हो गई है कम्प्लीट 12 मॉडल की। वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।